नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के इस शानदार वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हमारे देश भारत की प्राइवेट सेक्टर बैंक में से सबसे बेस्ट बैंक एचडीएफसी बैंक के होम लोन के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे एचडीएफसी बैंक में से अगर आप होम लोन लेना चाहते हैं तो आपको इंटरेस्ट रेट कितना आएगा। इसी के साथ साथ दोस्तों हम एक एग्जांपल लेके ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आप एक होम लोन लेते हैं तो उसके लिए बेस्ट टेन्योर कितना होगा, यानी कि आपको कितने साल के लिए होम लोन ले ताकि आपका जो इंटरेस्ट है वो कम से कम आपको पे करना पड़े। उसी के साथ साथ दोस्तों हम इसका ईएमआई कैलकुलेशन करने की कोशिश करेंगे और पूरा डिटेल में ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आप किस तरह से अपने घर बनाने के लिए बेस्ट ऑप्शन यहां से चूज कर सकते हैं। और दोस्तों वीडियो के एंड में हम आपको एक ऐसा ट्रिक भी शेयर करेंगे जिसके साथ आप अपने होम लोन के इंटरेस्ट के ऊपर कम से कम 25-30% सेव कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ और वीडियो की एंड तक, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। चैनल पर नए हैं तो एक बार इसको जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए दोस्तों आज का इस वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हम आगे हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे ऊपर और यहाँ पे जैसे ही हमने गूगल पे सर्च किया एचडीएफसी हाउसिंग लोन इंटरेस्ट रेट तो सबसे पहला लिंक हमारे पास ये वाला ओपन होके आ जाता है जहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको हाउसिंग लोन यानी कि होम लोन का इंटरेस्ट 8.7% से स्टार्ट होके आराम से मिल जाता है। चलिए दोस्तों इस लिंक के ऊपर चलते हैं और इसको डिटेल में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों जैसे ही हम इस लिंक को क्लिक करते हैं हमारे पास एचडीएफसी बैंक का ऑफिशियल साइट ओपन हो जाता है जहां पे कि आप देख सकते हैं यहां पे लिखा हुआ है अफोर्डेबल होम लोन एट 8.7% पर एनम इंटरेस्ट और आपके जो ईएमआई है दोस्तों 1,00,000 रुपए के ऊपर 783 रुपीज आ जाता है। तो दोस्तों अगर हम इसको थोड़ा नीचे जाके देखें तो देखिए होम लोन का एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर पे यहाँ पे दिया हुआ है। तो मान लीजिए दोस्तों अगर आपकी सैलरी 50,000 है जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है और दोस्तों हम यहाँ पे देखिए आपकी सैलरी मान लीजिए 50,000 है, आप होम लोन लेना चाहते हैं 20 साल के लिए और आपका जो इंटरेस्ट है जैसे कि हमने बताया 8.7%, तो उस हिसाब से दोस्तों अगर आप कैलकुलेट करें तो मान लीजिए अभी आपकी जो ईएमआई चल रही है वो आप इसका हम जीरो कर देते हैं, ये पकड़ते हैं कि प्रेजेंटली जिस टाइम आप होम लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस टाइम आपकी कोई भी अदर ईएमआई नहीं चल रही है। उसके पास आप देख सकते हैं दोस्तों कि अगर आपकी सैलरी 50,000 है तो आपको 25,00,000 रुपए तक का आराम से होम लोन मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 25,00,000 रुपए का होम लोन का कैलकुलेशन करेंगे। तो इस कैलकुलेशन के लिए दोस्तों हम जाएंगे अपने एक्सेल शीट। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों हम आगे हैं अपने ईएमआई के कैलकुलेटर पे, यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे। सबसे पहला ऑप्शन में आएगा दोस्तों लोन अमाउंट, आपको जितना भी रुपए का लोन लेना है इस यहाँ पे आपको डाल देना है। तो जैसे कि हमने एग्जांपल में देखा था 25,00,000 का, तो हमने यहाँ पे 25,00,000 का वैल्यू डाल देंगे दोस्तों। तो अब इसी के साथ साथ दोस्तों आता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हमने देखा था कि हमें 7.77 हमने देखा था दोस्तों कि हमें 8.7% के हिसाब से लोन मिल जाएगा एचडीएफसी बैंक के स्टार्टिंग में, तो हम इसको 8.7 डाल देते हैं। दोस्तों आप अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे डाल सकते हैं, तो कुछ लोगों को 8.7 में मिलेगा, कुछ लोगों को इससे थोड़ा ज़्यादा, तो हम राउंड ऑफ करके इसको 9% कर देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर हम इसको कर देंगे 9%। एक मिनट दोस्तों, जी हाँ दोस्तों ये हो गया 9%। तो आप 25,00,000 रुपए का लोन ले रहे हैं 9% के लिए, टेन्योर हमने पकड़ा था दोस्तों 20 साल, तो हम इसको 20 साल कर देंगे दोस्तों। तो उस हिसाब से देखिए यहाँ पे आपकी जो सैलरी है वो 55-56% के थाउजेंड के आसपास दिखा रहा है क्योंकि हमने वहाँ पे इसको 8.7 पकड़ा था और यहाँ पे हम इसको 9 कर रहे हैं, इसलिए आपकी सैलरी थोड़ा सा ये दिखा रहा है ज़्यादा दोस्तों, उसमें उतना कुछ डरने की बात नहीं है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों आपकी जो ईएमआई आएगी इस लोन के ऊपर लगभग 22,500 के आसपास आ जाएगी दोस्तों, यानी कि 25,00,000 का होम लोन ले रहे हैं 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से 20 साल के लिए, तो आपकी जो ईएमआई आएगी वो 22,500 रुपये आ जाएगी दोस्तों। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात आप नोट कीजिए, आप लोन ले रहे हैं 25,00,000 का, यहाँ पे आप देख सकते हैं, पर आप जब बैंक को इंटरेस्ट देंगे वो लगभग 28,60,000 रुपये, यानी कि जितना रुपए का आप लोन ले रहे हैं उससे भी ज़्यादा आप बैंक को सिर्फ इंटरेस्ट देंगे। दोनों का अगर हम टोटल कर देते हैं तो एक बार टोटल भी करके देख लेते हैं दोस्तों, टोटल में इन दोनों को मिला के कितना रुपए आ रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों हम कर देंगे
ये हो गया दोस्तों हमारा 26 के साथ, हम यहाँ पे ऐड कर देंगे दोस्तों 27 को, तो अब हमारे पास आ जाएगा इसका टोटल वैल्यू यानी कि 53,58,169, लगभग 54 लाख आप पकड़ के चल सकते हैं दोस्तों। यानी कि आप जितना रुपए का लोन लेंगे उससे दो गुने से भी ज़्यादा आप बैंक को लौटाएंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग यहाँ तक अगर देख के, अगर आप यहाँ पर तक देख के स्किप कर देंगे तो इसके बाद में हम आपको जो कैलकुलेशन बताने जा रहे हैं जहाँ पे आप अपने इंटरेस्ट रेट को मिनिमाइज कर सकते हैं, वो आपको ठीक से समझ में नहीं आएगा। तो अभी इस पार्ट को देखना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, इसलिए इसको आप ध्यान से समझिए। अब देखिए दोस्तों, ये जो ईएमआई आ रही है आपकी 22,493 यानी कि लगभग 22,500 रुपीज़, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए ये है ईएमआई, ईएमआई का आप जो बैंक से लोन लिए हैं दोस्तों 25 लाख यहाँ पे आप देख सकते हैं, और जो बैंक को लौटा रहे हैं लगभग 28 लाख 29 लाख, वो इस येलो बॉक्स में आप देख सकते हैं दोस्तों। ये टुवर्ड्स लोन है, मतलब आप जो भी ईएमआई दे रहे हैं ये लोन की तरफ, उसमें से कुछ हिस्सा लोन की तरफ आपको चुका रहे हैं और कुछ हिस्सा यहाँ पे आप इंटरेस्ट को दे रहे हैं दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं। दोनों को मिला के दोस्तों आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस यहाँ पे रह रहा है। अब एक बात यहाँ पे गौर कीजिए कि ये जो ईएमआई है 22,493, इसमें से पहले मंथ में आपका जो लोन की तरफ यानी कि जो 25 लाख रुपये आपने बैंक से प्रिंसिपल लिया था उसके तरफ जाता है सिर्फ 3,743 रुपीज़, और जो इंटरेस्ट है दोस्तों इसके तरफ जाता है 18,750 रुपीज़। यानी कि स्टार्टिंग डेज में आपका जो इंटरेस्ट है, बैंक आपसे इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा लेती है और जो लोन है वो कम से कम लेते हैं दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हैं दूसरे महीने में टुवर्ड्स लोन 3,771 रुपीज़ और इंटरेस्ट 18,722 रुपीज़। तीसरे महीने में, चौथे महीने में वैसे ये टुवर्ड्स लोन थोड़ा 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 बढ़ता जाता है और इंटरेस्ट दोस्तों यहाँ पे थोड़ा 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 घटता जाता है। तो इसी का फ़ायदा उठा के दोस्तों हम अगर यहाँ पे प्री पेमेंट कर देते हैं तो यानी कि हम ये 25 लाख में से कुछ कुछ पैसा डायरेक्ट अगर हम टुवर्ड्स लोन पे कर देते हैं तो टुवर्ड्स इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली घट जाएगा दोस्तों। अब प्री पेमेंट क्या होता है दोस्तों? कुछ नहीं, जब भी आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा आए आपको बैंक को जाके बोलना है, ये आपको ऑनलाइन नहीं दिखेगा दोस्तों, आपको बैंक के जाके मैन्युअली बोलना पड़ेगा। आप जो भी आपका लोन मैनेजर है उनको जाके बोलना पड़ेगा कि मुझे अपने होम लोन के पे प्री पेमेंट करना है। तो हम यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल के साथ इसको समझाते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल को समझने के लिए दोस्तों हम यहाँ पर दोस्तों दो ऑप्शन अनलॉक करेंगे। पहला ऑप्शन हो गया दोस्तों पे एक्स्ट्रा ईएमआई एवरी ईयर, हर साल आपको मान लीजिए सिर्फ एक ईएमआई का पैसा, यानी कि मान लीजिए किसी महीने आपने 1,000 रुपये, किसी महीने 15,000, किसी महीने 2,000, इस तरह से अपने 1,500-2,000 करके थोड़ा थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा सेव किया। अब एक महीने, एक साल में आपके बाद लगभग 22,000-23,000 रुपये एक्स्ट्रा आ गया, तो उस एक ईएमआई को अगर आप एक्स्ट्रा पेमेंट कर देते हैं तो देखिए आपके जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर कितना इफेक्ट गिरेगा। देखिए यहाँ पे आ रहा है दोस्तों 22,51,412 रुपीज़, ये दोस्तों आपका इतना घट जा रहा है। पहले कितना था दोस्तों, देखिए हम आपको दिखाते हैं, पहले था दोस्तों ये 29 लाख के आसपास था, 28 से 29 लाख। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये घट के हो जा रहा है दोस्तों 22,51,000 रुपीज़। यहाँ पे ये टुवर्ड्स लोन ये बढ़ जा रहा है, इसको आप इग्नोर कीजिए दोस्तों, इसमें इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे ये वाली जो येलो कॉलम है वो इम्पोर्टेंट है, यानी कि जहाँ पे आप लगभग 28-29 लाख का इंटरेस्ट पे कर रहे थे वहाँ पे आप अभी इसको पे कर रहे हैं दोस्तों सिर्फ 22,50,000, यानी कि आपने 6 लाख रुपया सेव कर लिया अपने इंटरेस्ट के ऊपर। अब अगर आप इसको टाइम इफेक्ट डेल देखेंगे तो देखिए दोस्तों 20 साल का मतलब होता है 240 महीना। अब इसको अगर हम टाइम इफेक्ट के हिसाब से देखेंगे तो देखिए आपका जो लोन है वो ख़त्म हो रहा है, देखिए दोस्तों यहाँ पर 0 आ गया, मतलब 196 महीने में आपका लोन ख़त्म हो जा रहा है, जो कि पहले ख़त्म हो रहा था दोस्तों आपके 240वें महीने में। अब दूसरे ऑप्शन पे आते हैं दोस्तों, हाइक ईएमआई परसेंटेज एवरी ईयर। दोस्तों आपकी जो भी सैलरी है, ऐसा नहीं है कि आपकी सैलरी हमेशा सेम ही रहेगा। मान लीजिए 2024 में आपको 50,000 सैलरी मिल रहा है,
अगले 1-2 साल के बाद आपकी सैलरी इतना नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ ज़रूर बढ़ेगा। आपकी सैलरी जितना भी बढ़ेगा दोस्तों, वहाँ पे से अगर आप सिर्फ 5% आपकी ईएमआई बढ़ा देते हैं, पहले से ही बोल रहा हूँ दोस्तों, ये सब आपको बैंक को खुद जाके करना पड़ेगा, ये ऑनलाइन ईएमआई ये सब ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है। तो अगर आप अपनी सैलरी में जो से अगर सिर्फ 5% एक्स्ट्रा बढ़ा देते हैं आपकी ईएमआई को, दे देखिए बूम, 22 लाख से हो गया दोस्तों 16 लाख रुपए। कहाँ 28 लाख का आप इंटरेस्ट दे रहे थे और कहाँ 16 लाख, यानी कि आपने अपने इंटरेस्ट के ऊपर स्ट्रेट 12 लाख रुपए सेव कर लिया है दोस्तों। अब इसका टाइम इफेक्ट देखें तो जहाँ पे पहले आपको 240 महीने में अपना होम लोन को चुका रहे थे, अभी वो घट के हो गया दोस्तों 134 महीने। यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आप देख सकते हैं, 133-134 महीने में आपने अपना होम लोन को चुका दिया, यानी कि यहाँ पे भी आपने ना कि 12 लाख रुपए बताया बल्कि दोस्तों लगभग 90 महीने पहले आपने अपना होम लोन को चुका दिया, यानी कि दोस्तों लगभग 20 साल के होम लोन को आप 12-13 साल में आराम से चुका सकते हैं दोस्तों। बस इसी ट्रिक का अप्लाई करते हुए आप अपने होम लोन का कैलकुलेट कीजिए और देखिए आप कितना आसानी से अपना होम लोन बिना टेंशन लिए आप क्लियर कर सकते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ आज का ये छोटा सा वीडियो और छोटा सा कैलकुलेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों आपको अगर ये एक्सेल सीट चाहिए तो यहाँ पे आपको एक ईमेल मिल रहा है, ईमेल का एड्रेस दिख रहा होगा दोस्तों स्क्रीन के ऊपर, उस ईमेल पे आप हमें ईमेल कीजिए, ये एक्सेल सीट हम आपको फॉरवर्ड कर देंगे। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपने वीडियो को आखिर तक देखा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।